हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं और एक उल्लू के वेब सीरीज़ जो कि रीति रिवाज तिजारत का रिव्यू लेके आ गई हूँ। तो आपको बहुत ही पसंद आते हैं उल्लू के वेब सीरीज़ के रिव्यू, तो आई होप कि आपको ये वेब सीरीज़ के रिव्यू भी पसंद आ जाए। तो अगर पसंद आ जाए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा अपने हॉर्नी फ्रेंड्स के साथ। एंड अगर ये वेब सीरीज़ अगर आपने देख ली तो कैसी है ये प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। एंड मेरे चैनल में न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को हिट कीजिए एंड बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले मेरे आने वाली वीडियोस की। तो जल्दी से शुरू करते हैं रिव्यू। तो पहले डिस्कस करते हैं स्टोरी। तो स्टोरी है एक माँ कैसे अपनी बेटी को एक रिच मैन, मतलब एक अमीर इंसान को बेचना चाहती है। एंड वो जब बेच देती है उस इंसान को अपनी बेटी, उसके बाद क्या होता है ये आगे की कहानी है। तो स्टोरी इतनी सी है। तो अभी मैं बता देती हूँ कि मैं बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स या सॉरी बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट बताने वाली हूँ जिससे कि स्पॉइलर हो सकता है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपने देख ली है तो अभी देखिए, अगर आप देखने का मतलब प्लानिंग कर रहे हैं तो आप यहीं पर रोक दीजिए वीडियो। आप फिर से मत बताए बोलिएगा कि स्पॉइलर्स हो गए, क्योंकि ये स्पॉइलर फ्री नहीं होने वाला है। तो स्क्रीन प्ले डिस्कस कर लेते हैं, मैं पूरे डिटेल में बताने वाली हूँ। तो स्क्रीन प्ले भी मुझे अलग किस्म का चूतिया ही कॉन्सेप्ट लगा। क्यों? क्योंकि माँ सोच रही है कि अगर उसकी बेटी नीलाम हो जाती है और बेच देती है किसी अमीर इंसान को, तो वहाँ रानी बन के रहेगी। मतलब एक कॉल गर्ल प्रोस्टिट्यूट, वो अगर किसी इंसान को बेच देती है तो वो कैसे रानी बन के रह सकती है? रखेली तो बन के रहेगी ना। कोई किस्म मतलब कुछ भी सोचते हैं ऑडियंस, चूतिया है या कुछ भी दिखा देंगे, कुछ भी डायलॉग्स बोल देंगे तो हम लोग को हजम हो जाएगा या क्या। और एक में भी है कि माँ बेटी को काला टीका लगाती है नीलाम करने से पहले, बोलती है कि बेटा किसी को मतलब तुझे किसी की नज़र ना लग जाए। मतलब खुद ही तो तुम हवस के पुजारियों के हवाले कर रही हो तो अपनी बेटी को, और बोल रही हो कि नज़र ना लग जाए। नज़र लगाएंगे उसके बाद ही तो तुम्हारी बेटी नीलाम होगी या कुछ भी होगी। मतलब कुछ भी दिखाते हैं भाई। बेटी किसी और से प्यार करती है इसमें, लेकिन वो लड़का किसी और के साथ संभोग कर रहा है, फिर भी ये लड़की उस लड़के के साथ शादी करना चाहती है। क्यों भाई, क्यों? लड़कों की कमी हो गई या तुम्हें या तुम्हारे आंखें ख़राब हो गई या तुम्हारा नियत ख़राब हो गई या इतनी मतलब इतने लाले पड़ गए हैं क्यों? मतलब कुछ भी दिखा रहे हैं ये लोग। और एक सीन में भी है जहाँ की ये जो मेन लड़की है वो डांस कर रही है, तो आप इसके डांस देख के ना आप अपनी आंखें फोड़ लेंगे, क्योंकि इतने घटिया डांस है। डांस का वो अपना सब बूब्स ही दिखा रही है, क्लेवेज दिखा रही है। और सारी लड़कियां ने अच्छे डिसेंट कपड़े पहने, इसी ने ही इतने बड़े बड़े क्लेवेज वाले पहने। तो ऑफकोर्स आपको ये अंदाज़ा हो जाता है कि ये जो सामने वाला दलाल खड़ा है वो इसी को ही खरीदेगा। तो इसमें क्या कॉन्सेप्ट, मतलब कुछ भी समझ में नहीं आता। कुछ भी दिखाना है तो मतलब न्यूडिटी या वल्गरिटी जो बोलते हैं ना दिखाना है, तो कुछ भी ज़बरदस्ती दिखा रहे हैं ये लोग। और एक सीन भी है कि एक ही ब्रा के साथ पूरी एक्ट्रेस को काम करना पड़ा है। पूरे सीरीज़ में ये नेवी ब्लू कलर की ये ब्रा पहन के ये लड़की पूरा का पूरा शूट कर लिया। मतलब इतना बजट टाइट था क्या तुम लोग का? इतना अगर टाइट था तो ऐसा बनाना ही नहीं चाहिए था। और एक अब बात कर लेते हैं कास्टिंग की। तो अनुपमा प्रकाश जो कि तारा मेन लीड का कैरेक्टर प्ले करी, जिसको नीलाम की उसकी माँ, तो इतनी ओवर एक्टिंग की है इसने सीरियसली यार। संभोग करने से पहले ही ये लड़की आ आ चिल्लाने वाले का एक्टिंग कर रही है। मतलब इतना क्यों ओवर एक्टिंग यार? हम लोग जानते हैं, जो 18+ है वो लोग जो देख रहे हो वो जानते हैं कि छोड़ो क्या बता सकते हैं। और प्रशांत मन राय जो कि सचिन मतलब इस लड़की के बॉयफ्रेंड का रोल प्ले कर रहा है, शक्ल से ही ठरकी लगता है यार। एक्टिंग तो वाहियत है ही, शक्ल से ही ठरकपन मतलब टपक रहा है, फिर भी इस लड़की को लगता है कि ये लड़का इसे शादी करके इसे खुश रखेगा। कोई भी कुछ भी सोचते हैं, कुछ भी दिखाते हैं यार। बात कर लेते हैं डायरेक्शन की। तो रघुबीर सिंह ने डायरेक्ट किया है। इन्होंने ही इस एक्ट्रेस को बताया होगा कि ओवर एक्टिंग कर तू, तो सारे क्रेडिट इस एक्ट्रेस को नहीं जाता, इस डायरेक्टर को भी जाता है जो कि हम लोग को चूतिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इन्हें नहीं पता कि जनता चूतिया नहीं ठरकी है, मतलब उल्लू के जो जनता है वो ठरकी है। तो
इन लोग को मतलब पता चल ही जाएगा कि ये सारे के सारे फेक दिखा रहे हो इतना। तो अब बात कर लेते हैं रेटिंग्स की। तो देखिए, मुझे ना ही एक्टिंग अच्छी लगी, ना ही ज़बरदस्ती का जो बोलते हैं ना वो न्यूडिटी एंड सेक्स सीन्स ऐसे रखे हैं, ऐसा लग रहा है मुझे। और आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसे कैसा लेते हो। तो मुझे तो इतनी अच्छी लगी नहीं, और अगर आप देखना चाहते हो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपके ज़रूरी नहीं है कि मेरा टेस्ट और आपका टेस्ट सेम ही हो। तो कैसी लगी आपको रिव्यू, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, रेटिंग्स 3 स्टार्स देती हूँ आउट ऑफ 5, क्योंकि मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। और हाँ, ये वीडियो अपने सारे हवस के पुजारी फ्रेंड्स, हॉर्नी फ्रेंड्स, जो जैसे भी फ्रेंड्स, जैसे थर्की फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर कीजिए एंड लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को अगर पसंद आ गया हो। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं फ्यूचर में भी और भी उल्लू के वेब सीरीज़ के रिव्यू लाती रहूँ और आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। ताकि आप, अगर आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो चेक कर लीजिए कि अगर आप बेल आइकन को प्रेस किया या नहीं। मैं आपसे मिलूंगी बहुत जल्द एक नए शॉर्ट फिल्म, मूवी या वेब सीरीज़ के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।